मजा आ रहा है इतनी गर्मी में, इतने ठंड का मजा ले रहे हम। देखो भाई पूरा काम कराया यार, ए टू जेड मेरे गाड़ी को हुआ गया, उसने कर था गड़गड़ कर जब बंद करनी तब तो मतलब ही नहीं है। भयंकर बड़ा तूफान आ गया क्योंकि आजकल मच्छर का सीजन चला है। नमस्कार जी, कैसे हो सभी? उम्मीद है कि सभी बढ़िया होंगे, कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे। दोस्तों आज मैं नींद में ही, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है क्रेशर से। क्रेशर पर पहुंच गया हूं, तो सेम रूटीन वही है, पहला ट्रिप शमशी को ही जाना है आज। मेरे सर में दर्द इतनी ना क्या ही बताऊं, आज मेरी बिल्कुल भी तबीयत नहीं भाई गाड़ी चलाने की। पता नहीं क्या हो गया यार, क्या नहीं हो गया। खांसी भी लगी है 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा, तो आज लगता है कि भाई डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तबीयत ही खराब होगी यार, पता नहीं क्या ही हो गया। बिजी लाइफ होगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई। लाइफ में मतलब टाइम नहीं लगा लगने, रेस्ट करने के लिए ना कुछ। आओ गाड़ी चलाओ, शाम को जाओ घर जाके सो जाओ, आओ गाड़ी चलाओ शाम को जाओ घर जाके सो, पूरे महीने की यही रूटीन है। ना सोने को ढंग से टाइम लग रहा ना कुछ, जिंदगी झंड हो गई है मेरी तो। चलो गाड़ी आने देते लोडर वाले को, करते यार लोड, फिर निकलते शमशी, वहां जाके पता लगेगा कि अगली डिमांड कहाँ की है। मौसम तो आज भी भाई वैसा ही है, पर अच्छा यार गर्मी से तो ठीक है, बिल्कुल खराब है। बारिश कभी भी आ सकती है, और ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं भी आ सकती है। तो चलो देते लोडर आने, निकलते फिर यहाँ से। गाड़ी तो लोड हो गई है गाइस, और यहाँ देखो आप यार जाम ही जाम लगा हो भाई। तो सॉरी यार मेरे को बताने का टाइम नहीं लगा, मैं जा रहा हूँ खोखण भाई ग्राम पंचायत खोखण, जहाँ की हमारा पिछला ब्लॉग भी आ चुका है। खोखण रोड में एक तो हमारे देखो भाई हमारे आवारा पशु बेचारे खाने की तलाश में घूमे बेचारे, इन्होंने भी कहाँ जाना भाई खाना खाने, तब ऐसा कि रात रात को निकल जाते लोगों के खेत में ना। अब सुबह होगी, अब जाएंगे रोड में बैठने, क्योंकि दिन को इनको भगाते हैं ना यहाँ से लोग। लोग भी सच्चे भाई, लोगों की फसलें खराब कर रहे हैं, पर चलो जो जैसा है चला है भाई। चलो अभी प्रधान जी को फोन किया जाए। चढ़ाई खत्म भाई, बड़ी मुश्किल से ना तीजा गिर पड़ा यहाँ देखो, नहीं तो पहला और दूजे में आती गाड़ी। ये देखो भाई जल्दी तो बहुत है, पर भाई फिर भी आराम से चलाऊं, क्योंकि जल्दी के चक्कर में गाड़ी का नुकसान थोड़ी ना करना मैंने भाई। क्यों गाइज गलियों में हमारा प्रस्थान होता हुआ, अब देखना भाई इस पॉइंट से मैं कैसे निकालूंगा गड्डी एकदम आराम आराम से। भाई साहब एक यार पाइप जो है ना, पाइप ये कर देती है काम खराब यार, कसर बड़ा, मतलब कि यहाँ अगर आप देखोगे ना मतलब देखने को आसान लग रहा है यहाँ ना भाई गाड़ी की, क्या बताऊँ। पर क्या करें, टिप्पर वाला को ऐसे रोड मिलने पर पक्के रोड में तो हम चलेंगे नहीं। गाइज खाली हो गई अपनी बिलो नाले, अब उतरा में पाया हमने सीधा चौथा गियर, देखो सीधा डबल, आती बार दूसरा गियर जाती बार चौथा गियर। क्योंकि थोड़ा जल्दी हूँ यार, तब डाला चौथा गियर, उतनी भी ज़्यादा उतरा ही नहीं है ऐसे तो है नहीं कोई। मैंने यहाँ दिल्ली जाना है तो मेरे को टाप टाप नहीं चढ़ सकता हूँ, मतलब कि ऐसे दूर का सफ़र होगा तब ज़्यादा उतराई उतरुई में मतलब छोटा गियर डालना चाहिए। चलो अब मैं आपको बाकी की स्टोरी ना सीधे परे समझाता हूँ जी एम ए।
सानू दिल चो तू कड़े फटे हुए जूते गाइस मेरे, ये देख सकते हैं आप सभी, यहाँ से फटे, देखो यहाँ से भी फट गए हैं। जुराब जरूर कर लेते हैं सेट भाई ना, गाड़ी अपनी लोड हो चुकी है कुल्लू के लिए। अभी मैं सोया हुआ था तो सो के उठा भाई, नींद पूरी हो चुकी है, रेस्ट हो गया है, खाना भी खाया नहीं, खाना खाने के बाद ऑफ रोड से होके चलते हैं। आपको बताता हूँ कि मटेरियल कौन सा भाई, ये है ऑफ रोड देखो भाई, और ये हमारी गाड़ी लोड है, आपकी एमडीएल कर दी उन्होंने, ये देखो भाई पूरी गाड़ी लोड है। मौसम थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा ना, थोड़ा थोड़ा साफ है अभी, गाड़ी अपनी साफ है देखो भाई बिल्कुल, ओके द रिपोर्ट। ये देखो भाई कमीज मैंने पहले निकाल दी थी ना, गाड़ी तो पूरी साफ है। टायर टूर कर लेते भाई चेक ना, सब कुछ ओके है, अब निकलते हैं जरा गेड़े गेड़े में, फिर एक चक्कर और है यहीं का ही, अगर यहाँ का नहीं लगा तो फिर एक और जगह का है। तो गाइस ये हल्की सी चढ़ाई आ गई, एक छोटी सी चढ़ाई है भाई, ज़्यादा बड़ी नहीं है कोई, बदा की चढ़ाई है, बदा की नहीं मॉल के सामने पीढ़ी की, ठीक है। तो भाई यहाँ मेरी गाड़ी टापो टाप ही जा सकती है, मैंने चौथा गियर क्यों डाला है, मैंने चौथा गियर इसलिए डाला है क्योंकि फुकरा पंती नहीं करनी है दोस्तों, ऊपर से जो टेम्परेचर है ना गर्मी का ऐसा है कि पूछो मत, अगर हम टापो टाप जाएंगे इस होगा कि गाड़ी की एमडीएल फिर जाएगी, एमडीएल मतलब गाड़ी की चिक्खे हो जाएगी भाई, गाड़ी बोलेगी भाई कौन पागल चला रहा है। अगर आप चौथे गियर पे चले हो ना, साउंड सुनो बाहर चल के एक मिनट, मतलब कि गाड़ी का जो है फैन चला हुआ है, फैन मारो, गाड़ी इस तरह चलनी की गाड़ी का पंखा चलना चाहिए भाई, क्योंकि ये जो मार है एकदम नहीं पड़ेगी भाई, है गाड़ी को इस तरह चलाना कि गाड़ी बोले नहीं यार मजा आ गया भाई, ऐसा नहीं कि मेरी गाड़ी यहाँ पांचों गियर में नहीं जाएगी, मेरी गाड़ी भाई कुल्लू तक पांचों में जाएगी, कहीं भी मतलब गेर वो करेगी नहीं, मेरी गाड़ी पांचों में ही जाएगी, पर एक होता है ना कि गाड़ी को चलाने का एक सिस्टम होता है। खुश हुआ रही भाई इस ढाबे से ना, कसम से यारा पानी आ गया मुंह में, कुल्लू में ही हम देखोगा इस। तो गाइस बिल्कुल फ्री हो चुके हैं अभी, कोई काम नहीं है मेरे को, तो मेरे को जाना भाई जंसी, अगले जो टायर है भाई बहुत बबलिंग मार रहे हैं, तो एक बार चेक करवा लेते हैं वहाँ क्या है क्या नहीं है। तो गाइस बिन मौसम बरसात होती हुई, पर कैमरे में तो दिख नहीं रहा, बारिश हो रही है, हाँ अब दिख रहा है, ये देखो भाई क्या मजा आ रहा है, इतनी गर्मी में इतना ठंड का मजा ले रहे हम, देखो भाई ये भाई मजा आ गया, एक साइड से मौसम साफ है, देखो बारिश की ऐसी बेढंगी बारिश हो रही है आजकल की, क्या बताएं दोस्तों, देखो वहाँ मौसम साफ है और यहाँ लगी भाई बारिश, ये देखो भाई, और गाड़ी का काम चला हुआ है, गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है, गाड़ी में बोला कि बुश फंस गया है, इसके बुश लगवाने सबसे पहले, बाकी हमारे एक सिलेंसर का जो एक बुश था वो गिर गया था, वो मैंने उठा के रखा था, ये वाला देखो ये वाला बुश गिर गया था, जिससे कि साइलेंसर को एकदम सपोर्ट है, देखो भाई ये पत्ती लगी ना नीचे, यहाँ से सीधा साइलेंसर की सपोर्ट है, देखो ये वाला, तो इसको मैं नट लगा दिया, यहाँ ब्रांड न्यू बिल्कुल एकदम ओके द रिपोर्ट, अब साइलेंसर ओके द रिपोर्ट हो जाएगा ठीक, बाकी वाली गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी से गल रेडी ना साइलेंसर से पूछता गई रहा, मैं यार दो तीन दिन से मैं गाड़ी मतलब ऐसा कर रहा था कि ये जो है ना परे पक्का फंसा हुआ था, तो मैंने ऐसा किया कि साइलेंसर मतलब गाड़ी बंद लाइन करनी, मैंने मतलब बेल्टिंग बूटिंग पूरा काम कराया यार, ए टू जेड मतलब गाड़ी को हुआ गया, तो साइलेंस कर रहा था गड़गड़ करके, जब बंद करनी तब यार मैंने बोला गड़बड़ तो है, फिर एक दिन गया मैं कहाँ गया था, नगर गया था मैं पीछे गुड़दौड़, हाँ प्रो ऐसा सीन की मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मैंने इसको रनिंग में डाल दिया, 5 मिनट एक्सीलेटर दिया कि इससे क्या गाड़ी थोड़ी रिफ्रेश हो जाती है, तो मैंने गाड़ी रनिंग में डाल दी, फिर गाड़ी वाइब्रेशन की वजह से बूस्ट गिर गया नीचे, क्योंकि नट उसमें था नहीं, तो फिर देखा मैंने यार मैं बोला अरे भाई ये चीज है किसी और गाड़ी की गिरी की मेरी, फिर आज मैं एजेंसी आया तो मेरे को याद आ गई, मैंने फोरमैन जी को बोला फोरमैन जी क्या चीज है, जगह मैंने गाड़ी लगाई थी मैंने ऐसी ऐसी रनिंग के लिए,
वहां गिरी थी चीज, मैं मेरी गाड़ी गई किसी और की है। और मैंने बोला भाई साइलेंसर का बुश है ये, देखा तुम्हारा भाई किंग है, मतलब कि कोई चीज नहीं छोड़ता, नीचे गिरी हुई चीज भी उठा के ले आता है। पैसे बच गए भाई, तगड़ा बुश है, बुश तो मिलना भी नहीं, ऑर्डर में मिलेगा पर एकदम से तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज जाती नहीं है, बड़ी कम जाती है, छस्सी में लगता था कुछ एंगल के साथ जो मैंने आपको बताया। तो ये वो रह सकी किंग पिन ने जो है उनमें प्ले नहीं है बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि पिछली सर्विस में हमने सारा काम करवाया था। तो फोरमैन जी ने बोला ऐसा कि ऐसा कर, तेरे कमाणी की जो बुश है वो थोड़े मतलब कट गए हैं, उनकी कॉलरे कुलरे फट गई है, बाकी पिनों कुनों में प्ले है, एक बार मतलब रॉड रॉड हो सकती है टेढ़ी, पर उन्होंने बोला एक बार कमाणियां करा के आ जा, कमाणियों से होगा कि पूरी सेटिंग होगी। फिर बोले उन्होंने कि मशीन में जाके एक बार अलाइनमेंट करवानी है बुनतर में, ठीक है वहां जाके हमारा सारा काम ओके पर रिपोर्ट हो जाएगा, या तो हम हाथ की अलाइनमेंट कराएंगे। पर इन्होंने बोला ऐसे कि पहले तू बुश का कर ले, क्योंकि बुश पे पूरा जोर होता ना पूरा, इसकी वजह से भी बबलिंग हो सकती है, तो पहले हम कमाने का काम करवाएंगे, फिर बाद का जो प्रोसेस है वो हम आपको बाद में बताएंगे। चलो गाइस अभी मैं क्रैश जा रहा हूँ, 10 mm की डिमांड है। देर रुकी थी बारिश, अब आ गई फिर से बारिश, और मेरी बिल्लो आ गई है ऊपर ऊपर। मारो मुझे, ऐसा घटिया मौसम हो रहा आजकल ना, दिमाग की दही हो चुकी है दही। एमरजेंसी डिमांड है गाइस, हम घूम गेड़े गेड़े में जा रहे हैं, गेड़े गेड़े में भाई बारिश के छींटे लग गए बुरी तरह। इसको छोड़ के आते शमशी से ना, क्या तूफान भाई, बारिश ड्राई दिया तुमने यारा भाई, तगड़ा तूफान आ गया अब तो कसम से, अब ये नहीं रुकती, अब वो देखो अब नहीं रुकती भाई, अब तो मतलब ही नहीं, अब भयंकर बड़ा तूफान आ गया। ओ माय गॉड वाली बारिश हुई देखो। और भाई एकदम भाई जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिए एकदम ही, अभी धूप अभी एकदम से यार कसम से, ठंड बिल्कुल नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद होगी ठंड। वो आ रहा भाई वहाँ देखो यार क्या बारिश हो रही है भाई, भयंकर नाले आ गए भाई, नाले देखो मौसम को पता नहीं क्या हो गया यार, आजकल मौसम कुछ ठीक ही नहीं रह रहा है, एकदम ही एक ही तड़ाका हो गया भाई, देखो भला भयंकर तूफान नहीं है। तो गाइज हमने ट्रक लगा दिया भाई ऊपर ना, इधर से ग्राउंड से ले जाएगा चेला, मेरे को थोड़ी जल्दी है, तो मैं भाई साहब अपनी गाड़ी का काम करने जा रहा हूँ, थोड़ा इसका थोड़ा सा काम है यार, कभी लॉन्ग रूट जाना होता है यार फिर मेरे को जीज से गाड़ी मांगनी पड़ती है, तो थोड़ा जरा बनाते हैं इसको, क्योंकि कभी भी कहीं भी एमरजेंसी पड़ सकती है, इसलिए मैं थोड़ा नगवाई तक जा रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा काम है इसका, चलो देखते हैं बोला क्या क्या काम निकलता है। गाइस ये हमारे बिट्टू फोरमैन जी है यहाँ पर, देखो इन्होंने मेरी गाड़ी की ताड़ फाड़ी कर दी है, तवे इसको क्या बोलते हैं है? इसको क्या बोलते हैं, इसको कैलिपर असेंबली इन्होंने बना दिया मेरा 10,000 का बिल यहाँ भाई, इन्होंने जो ताड़ फाड़ी कर दी, मतलब यहाँ देखो भाई गाड़ी के साथ के अभी तक चले भाई मोटे साथ दिए इन्होंने, अब हो गए खत्म भाई ये, अब हम बिल्कुल ब्रांड न्यू डाल रहे, ब्रांड न्यू ये वाली फीलिंग आनी चाहिए, स्मूथ है बिल्कुल स्मूथ। अब भी ऊपर एक्सीडेंट वाला। तो गाइस हम आ चुके हैं बजौरा पुल के ऊपर, मैं अल्फाज और अभी, क्योंकि आजकल मच्छर का सीजन चला हुआ है, क्यों आए हम यहाँ मच्छर मारने, क्योंकि आजकल मच्छर का सीजन चला है। तो भाई यहाँ पर नाइट व्यू इतना गच्छ और यहाँ इतना मजा आता बैठने का ना फ्लाई ओवर पे।